वेलकम टू एस के डिजिटल क्लासेस में माई सेल्फ कुलदीप सिंह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। टुडे इज माई टॉपिक फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस। जो टॉपिक मेरा है वो सॉयल साइंस है। पहला है सॉयल साइंस। सॉयल साइंस क्या होता है? सॉयल साइंस जो है वो एक नेचुरल डायनेमिक बॉडी है जो थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स बना है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल और लिविंग फॉर्म जो क्रॉप प्रोडक्शन, उसे हम सॉयल साइंस बोलते हैं। फादर ऑफ सॉयल साइंस की बात किया जाए तो हमारे वीवी डाकू चैव हैं। और जो सॉयल वर्ड का ओरिजिन हुआ है वो लैटिन वर्ड के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है फ्लोर, मतलब अर्थ सरफेस पे जो फ्लावर है उस पर जिस पर हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं सोलम शब्द से मिलकर बना हुआ है फ्लोर। और इसके अगर कंपोजिशन की बात किया जाए सॉयल में, तो इसके चार मेन कंपोजिशन है। पहला है मिनरल्स, दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर, और तीसरा है सॉयल वाटर, और चौथा है एयर। जो मिनरल्स हैं वो 45% हमारे सॉयल में पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर की बात किया जाए तो 5% पाए जाते हैं, और एयर की बात किया जाए तो 25% पाए जाते हैं, और वाटर जो है वो भी 25% पाया जाता है। अब बात किया जाए अगर ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसमें होते हैं 80% ह्यूमस और 20% रूट्स एंड 10% रूट्स एंड 10% ओरिजिन ऑर्गेनिज्म, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अप्रोचेस ऑफ सॉयल स्टडी, मतलब हम सॉयल स्टडी किस उसमें करते हैं। तो पहला है पेडोलॉजी अप्रोचेस। तो पेडोलॉजी का मतलब है कि हम उसके सॉयल किस तरह के सॉयल के बारे में पढ़ते हैं, कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कौन से वो रॉक्स से मिलकर बना है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है पेडोन, पेडोन का मतलब होता है सॉयल, एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। दूसरा है हमारा जो है प्रोसेस है वो है हमारा एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी का जो है वो हमारे हम इसमें ऐसा बात करते हैं कि हम क्रॉप ग्रो करने के लिए अगर किसी सॉयल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में दो वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, पहला है एडेफोस और दूसरा है लॉगस। एडेफोस मतलब होता है सॉयल और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। अगर हम अब बात करें सॉयल किस प्रकार से बनता है, तो सॉयल जो है वो हमारा रॉक्स यानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर एक इंच सॉयल की बात किया जाए बनने में, तो लगभग हमारा 800 से 1000 ईयर लग जाते हैं एक इंच सॉयल बनने के लिए। दूसरा है रॉक्स। रॉक्स क्या है? तो रॉक्स जो है वो एक सॉलिड कलेक्शन ऑफ मिनरल्स है। सॉलिड कलेक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स का एक ठोस पिंड है जो होता है रॉक्स। रॉक्स में अगर बात किया जाए तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है इग्नीशियस रॉक्स। ये रॉक्स जो हैं वो ज्वालामुखी वगैरह से जब ऊपर आके लावा जो क्रस्ट में पृथ्वी के क्रस्ट से निकल कर ये ऊपर आके जम जाते हैं, ये मेन रॉक्स हैं। ये पर मतलब प्राइमरी रॉक्स अगर बात किया जाए या मेन रॉक्स की बात किया जाए, चट्टानों की बात किया जाए, तो इग्नीशियस रॉक्स होता है। दूसरा है सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो इग्नीशियस रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, जो दूसरी जगह जाके एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसे हम सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। और अगर बात किया जाए मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो हमारा इग्नीशियस और सेडिमेंटरी रॉक्स का मिक्सर होता है। इसमें हम इसे हम परतदार भी चट्टाने बोलते हैं, किसे? मेटामॉर्फिक रॉक्स को। अब इसके बाद हमारा अगर बात किया जाए तो सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल जो है वो वर्टिकल कट ऑफ सॉयल है। इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग ओरिजिन पाए जाते हैं, संस्तर पाए जाते हैं, अगर हिंदी में वो किया जाए तो संस्तर पाए जाते हैं। इंडिविजुअल लेयर जो रिकॉर्डेड होते हैं ओरिजिन कहलाते हैं। इट इज ग्रुपेड इन ओ ए बी एंड सी, है ना। इन्हें हम वैसे नॉर्मली तो तीन चार ग्रुप में बांटते हैं, लेकिन लास्ट वाला ग्रुप जो है वो आर होता है, जिसमें हम रॉक्स का रॉक्स बेड रॉक्स होता है, उसमें कोई भी क्रॉप वगैरह किसी का हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। पहला जैसे है ओ ओरिजिन। ओ ओरिजिन जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये हमारा जो है फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। इसमें जो है हमारे ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारे लीव्स वगैरह, प्लांट्स के स्टेम्प वगैरह, रूट्स वगैरह का डिकम्पोजिशन होने के बाद जो सॉयल बनती है उसे हम ओ ओरिजिन बोलते हैं। ये हमेशा फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, इसे हम वर्जिन सॉयल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा
ए होर्जिन जो है वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का होता है। इसमें हम इसी में हम पूरे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। नॉर्मली जो भी क्रॉप्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो वो हमारा ए होर्जिन में ही ग्रो होता है। सेकेंडरी थर्ड वाला जो ग्रुप है वो हमारा बी होर्जिन ये सब ग्रुप बोलता है। इसमें क्रॉप्स के कुछ ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जो ए और बी दोनों में ग्रो किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बी होर्जिन। अब और चौथा जो है हमारा होर्जिन वो है सी। इसमें पैरेंट मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं, जो भी इग्निशियस वगैरह जो भी है, मतलब इसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं नॉर्मली बात किया जाए। और आर जो है इसमें कोई भी क्रॉप वगैरह, इसमें रॉक्स होते हैं मतलब चट्टाने होती हैं और इसमें कुछ नहीं होता है ना। अब बात किया जाए सॉइल साइंस की ब्रांचेस की, तो सॉइल साइंस की पहली ब्रांच जो है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स में हम उसके कलेक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बता, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा सॉइल केमिस्ट्री है। सॉइल केमिस्ट्री में हम सॉइल के कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, उसमें हमारा जो भी केमिकल वगैरह का कंसंट्रेशन वगैरह का और उनके केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है सॉइल बायोलॉजी। सॉइल बायोलॉजी में हम माइक्रो जीव जो ऑर्गेनिज्म वगैरह पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल बायोलॉजी बोलते हैं। अब सॉइल मिनरोलॉजी, सॉइल मिनरोलॉजी में हम रॉक्स वगैरह के मतलब उसमें कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल मिनरोलॉजी बोलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी हम ये क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं कि जो भी सॉइल है उसमें कितना उसका प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप कर रहे हैं उनको कितना प्रोवाइड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन, मतलब सॉइल किस से मिलकर बना है, उसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से सॉइल हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम सॉइल जेनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद हमारा है सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे में हम सॉइल के पता लगाते हैं कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के एरियाज कैसे हैं, वहाँ कौन सी सॉइल है उसके बारे में स्टडी करते हैं, वहाँ पहाड़ी एरिया है या समतल एरिया है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसे हम सॉइल सर्वे बोलते हैं। और लास्ट जो है वो हमारा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारा, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें जो बायो फर्टिलाइजर वगैरह के यूज करते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह हैं, उसमें जो हार्मफुल मतलब बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनके बारे में, बैक्टीरिया फंगस कवक जो भी हैं इनके प्रोटोजोवा वगैरह नेमेटोड वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब बात किया जाए हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर के मेनली तीन पार्ट हैं, सेंड सिल्ट क्ले। सेंड का जो है वो पार्टिकल साइज अगर बात किया जाए तो वो हमारा है 2.00 से ज़्यादा, और सिल्ट का बात किया जाए तो 0.02 से कम, और क्ले की बात किया जाए तो 0.002 से जो भी है उनका पार्टिकल साइज होता है। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर में हम मेनली उसके ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे होता है प्लेटी सॉइल। सॉइल डेंसिटी में हम उसके देखते हैं, उसमें हम देखते हैं बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब उसमें इसका अगर हम नॉर्मली बात किया जाए तो ये हमारा बल्क डेंसिटी जो होता है वो होता है 2.65 डेसी वो मीटर, और पार्टिकल डेंसिटी की बात किया जाए तो हमारा होता है 1.6 है ना। अब थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है कि उसमें हीटिंग कितना है, टेम्परेचर उसको हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर हमेशा हमारे इन्वायरमेंट से सॉइल का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा होता है। सॉइल टेम्परेचर हमेशा इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। अगर हमारे सॉइल मतलब इन्वायरमेंट टेम्परेचर 25 डिग्री है तो सॉइल का टेम्परेचर हमेशा 27 डिग्री होगा। इसी तरह सॉइल पोरोसिटी, सॉइल पोरोसिटी में कुछ नहीं है, इसमें हम देखते हैं एयर और वाटर को वो देखते हैं, और इसमें पार्टिकल के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं उसे हम देखते हैं, उसे हम सॉइल पोरोसिटी बोलते हैं। सॉइल कलर, सॉइल कलर से हम देखते हैं कि कौन सी सॉइल है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए एल्युमिनियम का ज़्यादा अगर वो हो रहा है ऊपर है तो उसमें हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा है, Fe वगैरह की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम रेड सॉइल बोलते हैं। इसी तरह ब्लैक सॉइल में अगर बात किया जाए तो उसमें मैग्नीशियम वगैरह ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कलर काला हो जाता है तो उसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। उसके बाद सॉइल प्लास्टिसिटी मतलब उसमें खिंचाव कितना है, सॉइल के मतलब उसके खिंचाव कितना है, उसको अगर हम प्रेस करके उस खींचते हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सॉइल प्लास्टिसिटी बोलते हैं।